माननीय सभापति महोदय, भाषा सिर्फ शब्दों और संवाद नहीं, भावनाओं का और संस्कृति और सभ्यता का प्रतिमान होता है। मैं आज पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा नेपाल की तलाई में बोली जाने वाली एक भाषा जो दुनिया की सबसे मीठी भाषाओं में शामिल होती है, जिसे नेपाल, फिजी और मॉरिशस में राष्ट्रीय संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके बोले जाने वाले 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में आज 6 करोड़ हैं और पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग हैं। आज मैं उस भाषा को और उस भाषाभाषी इन क्षेत्र के नागरिकों की पीड़ा को प्रतिनिधि होने के नाते आपके बीच में रख रहा हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश के बलिया, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, मऊ, जौनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और आजमगढ़, बिहार के बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और भभुआ, झारखंड के पलामू और गढ़वा, और इसके अलावा नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा और दुनिया के 40 देश, ये एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने का काम यहाँ के लोग करते हैं। महोदय, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में विश्व के 154 भाषाओं को अधिक स्थान दिया गया है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं एक भोजपुरी भाषा के हिस्सेदार होने के नाते कि भोजपुरी उनमें से एक भाषा है। महोदय, भोजपुरी एक संपूर्ण पूर्ण भाषा है और मूलतः इसकी उत्पत्ति संस्कृति और उसके संस्कृत और उसके बाद मागधी प्रकृति से हुई है। महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो भाषाएँ आज 8वें शेड्यूल में शामिल हुई हैं, गुजराती के बोलने वाले 5,50,00,000, उर्दू के बोलने वाले 5,07,00,000, भोजपुरी के बोलने वाले 5,05,00,000, कन्नड़ के बोलने वाले 4,35,00,000, मलयालम के बोलने वाले 3,27,00,000, उड़िया के बोलने वाले 3,40,00,000, पंजाबी के बोलने वाले 3,11,00,000, राजस्थानी के बोलने वाले 2,58,00,000, छत्तीसगढ़ी के बोलने वाले 1,62,00,000, आसामी के बोलने वाले 1,48,00,000, मैथिली जो भोजपुरी की एक बहन भाषा है उसके बोलने वाले 1,33,00,000, संथाली के बोलने वाले 69,73,000, कश्मीरी के बोलने वाले 65,54,000, सिंधी के बोलने वाले 27,72,000, नेपाली के बोलने वाले 29,26,000, गोंडी के बोलने वाले 28,57,000, कोंकड़ी के बोलने वाले 20,47,000, डोंगरी के बोलने वाले 25,96,000, बोडो के बोलने वाले 14,48,000, मैथिली के बोलने वाले 15,58,000। और अध्यक्ष सभापति महोदय, मैंने आपको बताया इस सदन के माध्यम से कि भोजपुरी को बोलने वाले 2011 में 6 करोड़ लोग थे, 2021 में यह संख्या बहुत बड़ी हो चुकी होगी। महोदय, भाषाओं को स्थान देना एक सतत प्रक्रिया है। 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 1992 में कोंकणी, मैथिली और नेपाली जोड़ी गई, 2004 में बोड़ो, डोगरी और मैथिली जोड़ी गई। मेरा आग्रह है